हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज का व्लॉग होने वाला करवा चौथ स्पेशल। तो आप देख रहे हो, मैंने करवा चौथ में कुछ इस तरह का लुक क्रिएट किया था। सो फ्रेंड, आपको ये मेरा लुक कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो व्लॉग है फ्रेंड, करवा चौथ में का व्लॉग है, इसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ शूट किया है कि मैंने इस दिन क्या क्या काम किए हैं। सो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बनी रहिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, आप देख रहे हो मैंने इस दिन वेयर किया था ये गोल्ड ग्रीन ज्वेलरी है, ये ग्रीन कलर की नोच पिन मैंने रेड और पर वाली ली थी, और ये जो साड़ी है ग्रीन एंड रेड की है। तो काफ़ी सिंपल लुक था, और मेहंदी मैंने काफ़ी अच्छी लगाई हुई थी। तो चलिए चलते किचन में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने दाल के बड़े बना रही हूँ, तो मैंने इसमें सिर्फ मूंग की दाल और उड़द की दाल को पीस लिया था, और इसमें सिर्फ मैंने नमक, मिर्चा और धनिया पाउडर और जीरा, ये सब जीरा पाउडर इतना ही मिला के मैंने ये बनाया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें मिलाया था, क्योंकि इसमें प्याज मिर्च, क्योंकि मैं इसे करवा में भरना था तो मैंने सिर्फ सिंपल ही बनाया हुआ था। तो देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाला था, और मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड है ना तो कढ़ी नहीं खाते हैं। इस दिन हमारे यहाँ पे कढ़ी, चावल, पूड़ी और दही बड़े और फरे ये सब बनता है, तो हस्बैंड कढ़ी बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए मैंने उनके लिए आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो देखिए, तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरा डाला था, इसमें अदरक है, लहसुन है, प्याज और हरी मिर्च डाल के उन्हें अच्छे से भून लिया है। फिर मैंने, और इसके बाद अब देखिए, मैं एक कटोरा ले ली हूँ और उस पर मैं दही डाल रही हूँ। तो दही को अच्छे से डालने के बाद मैं ना विस्कर से अच्छे से इसे फेंट लूँगी। हमारे यहाँ जो दही है ना सिर्फ डिब्बी में ही मिलता है, खुला बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो जब भी मुझे कुछ मंगाना होता है ना, तो मुझे यही दही मंगाना पड़ता है। तो देखिए, मैं विस्कर से अच्छे तरह से फेंट लूँगी, ताकि इसमें दही ना बिल्कुल भी दिखाई ना दे। और ये देखिए, सब्जी को मैंने इसमें डाल दिया है, प्याज और लहसुन हमारा अच्छे से भुन गया था, तो इस तरह से मैंने डाल दिया। गैस का फ्लेम भी मैंने लो कर दिया था, और मैं अच्छे से सब्जी को मिक्स कर लूँगी इस प्याज और मिर्च की पेस्ट में। सो फ्रेंड, ये देखिए, और ये जो दही हमारा था ना, तब तक दही है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था। और फ्रेंड, आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहंदी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी रची भी हुई थी। तो आप देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, बस इतना ही मिलाऊंगी, और इतने में एक दही बहुत अच्छे बन जाते हैं, दही बड़े। तो देखिए, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च मिला के मैं विस्कर से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए कि काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है, विस्कर से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है नमक और मिर्च। तो देखिए, देखने में कुछ इस तरह लग रहा है। आप चाहते तो आप इसमें रायता पाउडर और धनिया पाउडर भी थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मैंने इतना ही डाला। फिर आप देखिए, मैंने एक बड़ा चिमचा लिया, उसमें मैंने तेल गरम किया, और ये देखिए, इस ढक्कन में मैंने जीरा और हींग लिया हुआ था, उसको अच्छे से मैं पका लूँगी, और ये दही में ना छौंका दे दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं तड़का लगा लिया मैंने, और इसके बाद में मैं जितनी भी पकौड़ियाँ थी ना वो सारी मिक्स कर लूँगी। जो देखिए, देखने में कितना यम्मी लग रहा है ये हमारा दही। और अब मैं जिस पकौड़ी हैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो पहले ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत व्लॉग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इस दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दही बड़े कितने यम्मी लग रहे हैं, और फिर कुछ देर रखने के बाद जब ये फूल जाएंगे ना तो और भी अच्छे लगेंगे। तो आप देख रहे हो, इस तरफ मैंने एक थाली में दो तरफ बेसन लिया हुआ है, एक तरफ मैं पकौड़ी बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वो बेसन थोड़ा सा है उससे मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि सिर्फ पूजा करने के लिए मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बना ली थी। तो आप देखिए, मैंने इसमें डाला था नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, इतना बना के मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए, मैंने इतना
पतला पेस्ट बनाया है। इतना पतला पेस्ट बनाने का रीज़न ये, जो हमारी पकौड़ी है ना, छोटी छोटी पकौड़ी भी बनाने में काफ़ी बड़ी बनती हैं और कढ़ी में डालने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं, तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो देखिए, पकौड़ियाँ डाला जब मैंने था तो बहुत छोटी था, लेकिन पकने के बाद ही थोड़ी फूल जाती हैं और कढ़ी में जब डालोगे तो और फूल जाएंगी। तो देखिए, ये मैंने पेस्ट बनाया, इसमें दही है, थोड़ा सा पानी है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, नमक है, इन सब का पेस्ट बना लिया था। दूसरी तरफ मैंने थाली में बेसन को भी घोल लिया था। और ये देखिए, इसी कढ़ाई में मैंने जीरा और हींग डाला है, और अब मैं इसमें डालूँगी दही वाला पेस्ट। तो फ्रेंड, इसी कढ़ाई में मैंने सब कुछ बनाया हुआ था, तो काफ़ी कढ़ाई भी थोड़ी सी मैसी हो गई और किचन भी आप देख रहे हो गैस कितनी मैसी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, बार बार साफ़ करने और क्लीनिंग का टाइम नहीं था। तो अब आप देखिए, दही अच्छे से पक गया था, तो अब मैं इसमें दही बेसन वाला जो मैंने घोल बनाया था वो डाल दिया। और अब मैं इसे एक उबाल आने के बाद मैं इसे धीरे धीरे से पकने दूंगी। दूसरी तरफ फ्रेंड देखिए, एक तरफ कढ़ी पक रही है और दूसरी तरफ अब ये देखिए मेरी जो पूड़ियाँ हैं वो कितनी मैंने बड़ी फूली फूली सी बन रही, तो मैंने एक साथ सारी पूड़ियाँ बना ली हैं। दूसरी तरफ ये देखिए फले बना लिए, कढ़ी भी हमारी पक रही है। तो मैंने कढ़ी को तब तक पकाया जब तक कढ़ी से ऑयल ना छूटने लगे। और इसी तरह से मैं सारी पूड़ियों को तल लूँगी। बर्तन तो बहुत सारी हो जाती है जब आप एक साथ दो दो गैस में काम करोगे, लेकिन इससे काम जल्दी होता है। तो इसी तरह से मैं सारी पूड़ियों को मैंने तल लिया था। तो देखिए, मैंने एक पेपर में बड़े हैं वो डाल दिया मैंने। और देखिए, दूसरी तरफ मैंने ये डाल दिए, ये पेड़े डाले थे, और एक पेपर में मैंने थोड़ा सा चूड़ा गट्ठा के डाल दिया था। इसके बाद मैंने इसमें बस 10 रुपये डाल दिए थे और करवे को बंद कर दिया। और इसके ऊपर मैंने चावल पड़ी कटोरी और एक दिया रखा हुआ था। और इसके बाद मैं इसमें सेक लगा दूँगी। और हमारे यहाँ जो दिया होता है ना, जब फ्रेंड ऊपर जाओगे ना तो कमरे से ही जला के ले जाते हैं। और अब आप देखिए, मैंने करवे में माला पहना दिया। माला पहनाने के बाद अब आप देख रहे हो फ्रेंड, ये जो मालाएं हैं ना, ये मैंने खुद बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे फूल बहुत मुश्किल से मिले हुए थे तो मैंने फूल मंगाए थे, और ये माला मैंने खुद घर पे ही बनाई हुई है। तो देखिए, एक माला चढ़ाने के लिए, एक पानी के कलश के लिए, इस तरह से मैंने सारी मालाएं बनाई हुई हैं। तो अब मैं थाली प्रिपेयर कर लूँगी। तो देखिए, इस थाली में माले हो गए, कुछ खुले फूल हो गए, और ये देखिए दिया भी मैंने तेल भर दिया है, धूप बत्ती है, माचिस है, थोड़ा चावल है और सिंदूर है, ये सब मैंने रख दिया था। और एक और ये आटा रहा, और मैंने एक थाली में खाना निकाला था जिसमें कढ़ी है, चावल है, पूड़ी है, दही बड़े हैं, ये सब निकाला था मैंने। और देखिए, मैंने ये चौक बना ले रही हूँ। चौक बनाने के बाद में ये मैंने मिट्टी के कुछ छोटे छोटे से टुकड़े रखे, इसे हमारे यहाँ गौरा गौरी बोलते हैं। और डुकू है ना, बहुत परेशान कर रहा था, पूजा करने ही नहीं दे रहा था। जब जब मैं दिया जला रही थी तो डुकू क्या कर रहा था, फूंक मार के बंद कर दे रहा था। दिया मैं ऊपर से ही जला के लाई थी, यानी कमरे से, लेकिन जो डुकू है हमारी बुझा बार बार फूंक मार कर बंद कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। अब मैं सिंदूर से गौरा गौरी को ना मैं इसे तिलक कर रही हूँ, और अब आप देखना डुगू के शैतानी आके दिया फूंक दिया और ताली बज रही है। बहुत मुश्किल से मेरी ये पूजा हो पाई थी, क्योंकि डुगू बार बार ऐसा ही कर रहे थे, और बच्चा है तो उसे कुछ कह भी नहीं सकते। मैं बार बार समझा रही थी फिर भी नहीं मान रहे थे, और बार बार उसके पापा ले भी जा रहे थे, लेकिन डुगू बार बार दौड़ के यहीं आ रहे थे। तो देखो, डुगू फिर से आ गए हैं फूंक करने के लिए, और पहले से क्लैपिंग चल रही है। तो बार बार यही हो रहा था ना कि डुगू को उठाया जा रहा था, डुगू फिर आ रहा था। तो देखिए, मैंने माला पहना दिया, धूप रख दी, चावल डाल रही हूँ, फूल चढ़ाऊँगी, इस तरह से मैं करूँगी। और दूसरी थाली में जो खाना है ना वो भी चढ़ाऊँगी, तो और करवे का भी है ना वो सब भी मैं इसमें चढ़ाऊँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं सारी पूजा कर रही हूँ। देखो, डुग्गू आके फिर से फुदिए में फूंक मारती है। तो ये पूजा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने क्या किया, डुग्गू को फ़ोन दिया काम चलाने के लिए, तब मैंने जल्दी से पूजा करी। और आप देखिए, मेरी इस तरह की पूजा होने के बाद ये जो करवे में सेक लगी होती है उसको लिया मैंने, और हाथ में थोड़ा सा मैंने चूड़ा गट्टा है, मिठाई है, ये सब ली, और ये पानी डाल डाल के हमारे यहाँ ये सीखे छोड़ी जाती हैं। और हाथ में चांदी की पायल होनी चाहिए, यानी चांदी का कोई भी सामान होना चाहिए, तभी आप ये दिया सीखों को छोड़ना रहता है। तो देखिए, इस तरह से मैं सारे सीखों को अच्छे से पानी डाल डाल के छोड़ाऊँगी।
तो देख। सो फ्रेंड, आपको मेरा लुक कैसा लगा वो भी बताइएगा। बहुत ही सिंपल लुक था और बहुत ही जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि सारा काम मुझे ही करना था। तो देखिए, इस तरह से मैं सब काम कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ना 7 सीके छोड़ी हैं फेस के बाद में चंद्रमा को जल चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा जो है ना वो पूरी हो गई। फिर मैं कमरे के आकर हस्बैंड को भी मैंने तिलक किया था और उनका रोशना करी, आरती किया, उनके पैर छुए और उन्हें मिठाई खिलाया और फिर उन्होंने भी मुझे सेम किया। तो इस तरह से मेरा ये फास्ट कंप्लीट हुआ। तो डुग्गू भी बीच बीच में आ रहे हैं, डुग्गू की भी शैतानियाँ चल रही हैं। और ये देखिए, मैं भी थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी उनके साथ में। तो देखिए, हर बार डुग्गू बीच बीच में आ रहे हैं। तो इस तरह से पूजा पूरी हुई और उन्होंने भी मुझे पानी पिला दिया था। तो मेरा व्रत कंप्लीट हो गया। फिर इसके कुछ देर के बाद कुछ सेल्फियाँ ली। सेल्फी लेने के बाद में फिर कहीं जाकर खाना खाया। सो फ्रेंड, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।